प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ जुलाई के महीने का ग्रह मंत्री, जुलाई के महीने का महामंत्री, जुलाई के महीने का सेकंड पावरफुल ग्रह आपके जीवन में जुलाई में क्या देने वाला है, आज वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि ग्रह पावरफुल होता है तो जीवन में चार चांद जरूर लगते हैं। ग्रह कमजोर होता है तो हमारी ताकत नहीं होती, हमारे शरीर में ताकत ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, दौड़ नहीं सकते। अगर कोई हमें बोले कि भैया 1 करोड़ रुपए वहां पड़े हैं 1 किलोमीटर दूर और भागिए, और हमारे अंदर 100 मीटर भागने की भी क्षमता ना हो तो हम वो 1 करोड़ रुपए नहीं ले सकते। तो ग्रहों के अंदर जो बल होता है, ग्रहों के अंदर जो ताकत होती है, उस ताकत से हमें लाभ मिलते हैं। तो ग्रहों के बल के आधार पर हमने पिछले एपिसोड में बताया था जुलाई महीने का राजा ग्रहों की ताकत के अनुसार शुक्रदेव थे, और इस बार गृह मंत्री महामंत्री सेकंड हाईएस्ट पावरफुल पोस्ट पर सूर्यदेव, जो स्वयं ग्रहों का राजा है लेकिन डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में वो दूसरे नंबर पर है। मैं उस पंचांग की बात नहीं कर रहा जो साल की शुरुआत में होते हैं, मैं तो हर महीने का निकाल रहा हूं कि हर महीने कौन सा ग्रह पावरफुल रहने वाला है, मैं वो बता रहा हूं आपको। ज्योतिष का सिद्धांत तो यही कहता है कि जिस महीने जो ग्रह पावरफुल रहेगा और जिस भाव का वो स्वामी हो जाएगा, जिस राशि का स्वामी वो हो जाएगा, वही आपको फल देने वाला है। तो ग्रहों के अंदर डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, कम्युनिज्म नहीं होता, डिक्टेटरशिप नहीं होती है, मार्क्सवादी लोग नहीं होते, कम्युनिस्ट नहीं होते, ये लाल लगाम वाले नहीं होते। डेमोक्रेसी यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक सत्य है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा सेकंड ग्रहों का राजा, यानी दूसरे नंबर पर जो राजकुमार जिसको बोलते हैं, गृह मंत्री जिसको बोलते हैं, पावरफुल पोस्ट पर वो सूर्यदेव। सूर्यदेव जिस भाव का स्वामी, जिस राशि में हो जाएगा, वो आपको फल देगा। ग्रहण में अवश्य तो कुछ राशियों की किस्मत खोल देगा और कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं जिनके अंदर सूर्य बहुत पावरफुल स्थिति में रहने वाला है, जिनके अंदर अपार धन रहने वाला है, और वो बचे ना बचे वो आपकी मर्जी। तो वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं 6 जिनके अंदर सूर्य आपको जबरदस्त ऊंचाई देने वाला है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन निवेदन करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो शेयर जरूर करें, लाइक करो ना करो लेकिन शेयर कर दो। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रहों का महामंत्री सेकंड पावरफुल ग्रह सूर्यदेव, मेष राशि वालों के लिए संतान का सुख और एजुकेशन, बड़े लोगों से संबंध, तीसरे भाव में पावरफुल होकर बैठा हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली मेष राशि वाले, आपको संतान का सुख मिलेगा, पुत्र का सुख मिलेगा, आपकी राजनीतिक कैरियर ऊंचाइयां मिलेंगी और बुद्ध आदित्य राजयोग का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एजुकेशन वाले बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जिनको मैं ये कहूं कि आपकी किस्मत बहुत पावरफुल है। वृष राशि के अंदर मैं कहूं तो सुख साधन हाई थॉट्स का स्वामी धनबाद पर बैठा हुआ है, यानी ये कहा जाए कि आपके लिए सुख साधनों की कमी नहीं रहेगी, बहुत पावरफुल रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत पावरफुल है, आपकी राशि में बैठा है कारक है, मेहनत से ऊंचाइयों को छुएंगे आप, आपके लिए काफी अच्छा है। सिंह राशि, तीसरे नंबर की सिंह राशि आपके लिए भी बहुत जबरदस्त है, पूरे महीने अच्छा रहने वाला है लेकिन आपको आधा ही समय मिलेगा इसका। तुला राशि वालों के लिए बहुत जबरदस्त है लाभ, जबरदस्त लाभ, व्यापारियों के लाभ भाग्य स्थान पर है। फिर कर्म पे आ जाएगा
यानी ये कह सकता हूं लाभ का स्वामी भाग्य पर बैठा है, 16 जुलाई तक बहुत अच्छा, 16 जुलाई के बाद कर्क राशि में आ जाएगा, वहां भी बहुत अच्छा, वहां पावरफुल हो जाएगा, तो आप भी बहुत पावरफुल हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा है, जिसको अच्छा बोला जा सकता है। धनु राशि वालों के लिए भाग्य का स्वामी केंद्र के अंदर है, आप भी बहुत पावरफुल स्थिति में हैं, आपके लिए अच्छा योग बनेगा। और एक अगली है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा जबरदस्त है, बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है, संतान के घर में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, आप भी बड़े भाग्यशाली। तो ये जो राशियां हैं छह, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी, कुंभ राशि आप भाग्यशाली हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा है, धनु राशि आपके लिए भाग्य का स्वामी पत्नी के घर में बैठा है, वो भी बहुत अच्छा है, तुला राशि आपके लिए भी बड़ा अच्छा है, बहुत शानदार, सिंह राशि वालों के लिए आधा अच्छा है, इसलिए मैंने आधा लिखा है उसको, कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, मिथुन वालों के लिए अच्छा है, और साथ में मैंने कहा मेष वालों के लिए और वृष वालों के लिए आधा आधा अच्छा है। तो ये जो छह राशियां हैं इनमें जबरदस्त सूर्यदेव सेकंड नंबर पर रनअप में ये पीछे रहने वाले हैं, यानी सेकंड पर चलेंगे, ये सूर्य का जो फल होगा उससे इनका थोड़ा सा कम फल रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल स्थिति में इनको कहा जा सकता है, इसलिए इन छह राशियों के लिए सूर्य झंडा ऊंचा करेंगे, आप माणिक पहन सकते हैं। ये इसलिए मैंने कहा है कि सूर्य 15 तारीख तक अपने मित्र के घर में रहेगा, बुध के घर में, सम के घर में, उसके बाद कर्क राशि में आ जाएगा, वहां भी पावरफुल स्थिति में रहेगा। बलवान मैंने इसलिए बोला है इसको कि सड़बल के अंदर, छह कुंडलियों के अंदर, नवांश के अंदर इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, 13, 14, 15, 16 तारीख के अंदर, 13, 14, 15 के अंदर, 16 में जब ये जब तक राशि परिवर्तन करेगा, इस बीच के अंदर अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो यहां पर भी उसकी नवांश स्थिति रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाला है, यानी पावरफुल स्थिति जिसको बोल सकते हैं, एंडिंग पॉइंट जिसको बोला जाता है, तो वहां पर इसकी पोजिशन अच्छी रहेगी, 26 डिग्री 20 कला से लेकर के अंत तक, 13, 14, 15 यानी 16 तारीख को राशि परिवर्तन करेगा, इसलिए बलवान पोजिशन में रहेगा। नवांश में वर्गोत्तम रहेगा, अपने सम के घर में रहेगा, और साथ में कर्क राशि में मित्र में रहेगा, तो छह राशि वाले बहुत भाग्यशाली। अब आपसे आप लेता हूं, अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए आप मेरा पता नोट कर सकते हैं, या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59, फ़ोन नंबर 011-2563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-860-90, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप अपने